नमस्कार, ग्राउंड मीडिया की टीम इसमें बलबीर सिंह बाल्मिक के गांव ग्वालाडा में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है। यहां पर जो ग्रामीण व्यक्ति है, इनसे जानेंगे कि किस पार्टी की सरकार बन रही है, किस व्यक्ति को विधायक पसंद करेंगे, किसको बनाएंगे, जानते सीधा जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार जी, बढ़िया। क्या हाल है भाई का? बढ़िया जी। किसने बनाओगे? बलबीर बाल्मिक। टिकट की मिल जाएगी? पक्के है टिकट तो जी। तो कांग्रेस की सरकार बनाओगे इस बार? कांग्रेस की सरकार, इसकी टक्कर में कोई कैंडिडेट नहीं किसी भी पार्टी का। कृष्ण पवार ने काम नहीं करवाया? कुछ भी नहीं जी। एक करवाया काम? कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। एक कृष्ण पवार खुद गिनवा दो। कोई गांव में बालक लगे नौकरी? कुछ भी नहीं लगे। कुछ तो होगा काम, इतनी नाराजगी क्यों है भाई? इसका तो सब नाराज है, पूरा हल्का नाराज है। इसका तो आया ही नहीं, 5 साल में शक्ल भी दिखाई अपनी। और गांव में नहीं आया 5 साल में है भाई? एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं आया। हाँ भाई, राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे, जो हाल फिलहाल में सरकार है बीजेपी, कैसे क्या कार्य करवाए और किस पार्टी को आगे आप अपना जो है मत दे करके उसको सरकार बनाने का कार्य करेंगे? भाई पहले तो हम जो अपने बलबीर सिंह बाल्मीकि को वोट देंगे भाई जी, तो भाई एक तो 10 साल हो लिए बेचारा काम कर रहा हल्के में, और जो है बीजेपी का है भाई कृष्ण लाल पवार, इन्हें तो हल्के में कुछ कराया ही नहीं। आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई हम तो बलबीर सिंह बाल्मीकि को और कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे भाई। कांग्रेस ने मजबूत करोगे? कांग्रेस को मजबूत करेंगे भाई। टिकट की दावेदारी पक्की इस बार? भाई हाईकमान ऑर्डर करेगी भाई, वो तो टिकट उसका किसका क्या करेगी, मतलब फिर भी बलबीर सिंह बाल्मीकि का ही पक्का भाई। दिल जान से साथ हो? दिल जान से, मतलब कदम टिकट मिला तुम पाला तो नहीं पलट जो? ना ना, पाला क्यों पलटेंगे भाई, हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तन मन धन से? तन मन धन से। और भी भाई मौजूद? हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। क्या काम करे करो? ड्यूटी कर रहा है। क्या मैं नेस्ले? नेस्ले में। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी, कौन लग रहा है विधायक बनेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी, बलबीर सिंह बाल्मीकि इस राणे हल्के का विधायक बनेगा। पीछे भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर ला रहा है यो तो वो लाके दे रहे अपने आप, हमने थोड़ी अपने आप ला रहे दीवार के ऊपर। हां भाई साहब, राम राम भाई साहब। राम राम। किसने दोगे वोट भाई? यहां से तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे इस राणा हल्के से। व्यक्ति कौन होना चाहिए जो? बलबीर सिंह बाल्मीकि है हमारा। बलबीर सिंह बाल्मीकि? हां जी। क्या लग रहा है कि सरकार बन जाएगी कांग्रेस की? इस राणे से तो बलबीर बाल्मीकि ने बनाएंगे। मतलब आप बलबीर बाल्मीकि ने जिता के भेजोगे? हां जी। सरकार बनो ना बनो? हां सरकार बनो ना बनो, हम तो बलबीर बाल्मीकि को बनाएंगे। अपने जो व्यक्ति आपका जो प्रत्याशी उसको जिता करके भेजो। हां बलबीर सिंह बाल्मीकि को। हां जी नमस्कार जी। बलबीर सिंह बाल्मीकि ने कोई कुर्ते पजामे का दिया के ऑर्डर सिमवाण का जोकर इलेक्शन सिर पे आगे? वो सेवा करता है लेता नहीं सेवा। कुर्ते पजामे सिमवा रहा है आप? हाँ बिल्कुल। तो कैसा क्या माहौल लग रहा है कि बनेगी सरकार? अब सरकार बनो या न बनो लेकिन विधायक पक्का आपकी बात। विधायक पक्का है? पिछली बार क्या रह गया था, क्यों मार गया? कुछ लोग अफवाह चला देते हैं ऑन द टाइम, अच्छा वही गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ करते हैं तो इस बार तो पक्की है दावेदारी? दावेदारी भी, टिकट भी पक्की है। टिकट भी पक्की है और विधायक भी पक्का है? विधायक पक्का हमारी तरफ से। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। ये कहना चाहोगे विधायक किसने बनाओगे, किस पार्टी की जीत हो रही है? हम तो मेहनती और लगनी है बलबीर बाल्मीकि, इसको ही विधायक देखना चाहते हैं और बनाएंगे। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करवाए? नहीं कोई काम नहीं हो रहा। क्यों कह रहे बाड़क लगवा दिए फ्री में और विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है विकास? हमने तो कोई सामूहिक विकास देख नहीं लिया है, गाँव के अंदर या और कहीं भी सामूहिक विकास कोई नहीं हुआ है। बालक तो जो मेहनत करेगा तो लगेगा, जो पढ़ने वाला बच्चा वो लगेगा, वो लगेगा। वो तो कांग्रेस के राज में भी लगते थे, अब भी लगेंगे और फिर भी लगेंगे। मतलब कांग्रेस के राज में जो है पैसे दे करके लगते थे और ये बहना फ्री लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देश के बारे में ना तो हमने पैसे दिए ना अब तक लिए, हमने इस ज्यादा तो इस बात के बारे में ज्ञान नहीं है। आपके यहाँ से कोई लगे नौकरी? हाँ नौकरी तो लगी, नौकरी लगी है। तो राम राम। राम राम भाई राम। किसने बनाओगे? बलबीर सिंह बाल्मीकि भाई। कांग्रेस ने वोट दोगे? कांग्रेस ने देंगे भाई। जिता दोगे? जिता देंगे भाई, तन मन धन से। अच्छा, जो कांग्रेस के अंदर प्रबल दावेदारी है आज बलबीर सिंह बाल्मीकि की, क्या लग रहा है कि जो गांव में भी अभी जा रहे होंगे इस राणे में हल्के के अंदर दौरे भी कर रहे होंगे और हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाते हैं बलबीर सिंह बाल्मीकि, टिकट तो पक्की है इसमें तो कोई शक नहीं, यादव को पक्की बात हमने भी जच रही है और सबने जच रही है, अगर टिकट तो है पक्की। जिता दोगे? जिता देंगे जी। जी जानते जिता दोगे? जी जानते जी। पूरा मतलब गाम राम साथ है? साथ है जी पूरा। हाँ जी भाई साहब, राम राम। पूरा जिताऊंगा भाई। जिता दोगे? कते पक्का। देखो कते मौके पे ग्रेडी मार, कते मौके पे गए, कते जिता गाल देंगे। हाँ हाँ जी नमस्कार जी। किसने जिताओगे? हम तो बीजेपी जिताओगे।
के काम करवाए बीजेपी ने? सारे काम करवाए। गांव में तो कोई भी एक भी आदमी ना बोला बीजेपी के पक्ष में? क्यों नहीं बोला? आप बोल रहे हो सिर्फ। उसका नुकसान कर रखा हुआ? नहीं नहीं, इन सब का नुकसान तो नहीं कर सकता, आपका फायदा कर रखा गया। मेरा भी फायदा नहीं कर रखा। तो फिर जो ये सब बोल रहे बलबीर वाल्मीकि ने जिताओगे आप? नहीं, वाल्मीकि की बात अलग है, कांग्रेस की पार्टी की बात करें हम तो। वो कांग्रेस ही तो है वो। फिर बलबीर का नाम क्यों ले रहे इसमें? तो बलबीर ही तो लड़ेगा, हम तो कांग्रेस के खिलाफ है। तो चुनाव तो बलबीर लड़ेगा? टिकट मिला जब तो लड़ेगा। टिकट तो पक्की है? फिर पक्की तो जिता दिए समर्थक कह रहे सारे। हाँ जिता दिए। फिर हुड्डा का खास है? हाँ फिर हुड्डा जीत जाएगा भले। वो खुद हुड्डा जीत तो नहीं जीतो, टिकट बांटने में तो हुड्डा का अधिकार। चलो हम तो कह रहे टिकट मिल जाना चाहिए, लेकिन टिकट मिलेगी आप वोट दोगे? नहीं ना, हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? बिल्कुल। क्या काम करवाया बीजेपी सरकार ने? उन्हें कांग्रेस ने क्या करवाया? नहीं आप अभी आप बताओ, जैसे आप भी तो बता दो ना। अपने टाइम में कांग्रेस ने भी करवाए होंगे, हमने तो फिर बस बीजेपी किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले सकते ना। हम भी किसी पार्टी का पक्ष नहीं, लोगों की राय जान ले। जो पार्टी बननी है जिसका अधिकार है वही बनेगा, जिसका आज का टाइम है। हाल फिलहाल में कृष्ण लाल पवार जी तीन तीन मंत्रालय उनके पास है, क्या काम करवाए? नहीं कृष्ण लाल पवार को भी टिकट मिल जाएगा? टिकट नहीं मिलेगा? हर मिल जाएगा तो हर जगह। टिकट किसने मिलेगी बीजेपी तक? क्या किसकी? बीजेपी की। इसको मिलेगी सत्यवान सेहरा को? सत्यवान सेहरा को मिलेगी, प्रबल दावेदारी है। बिल्कुल जीत जाएगा सत्यवान सेहरा। हाँ वो तो भाग्य की बात है, जीतो ना जीतो। तो आप मेहनत करोगे? वो जीतो ना जीतो तो उसकी भाग्य की बात है। जिसके आप बीजेपी को वोट करोगे सपोर्ट करोगे? हाँ दोनों चीज करोगे, सपोर्ट भी। बहुत बढ़िया, वो बाकी से अपनी राय रखी। हाँ जी भाई साहब, और कौन सा भाई साहब है? भाई तू भी नहीं ऐसे देखे हमने, क्या नाम है तेरा? सागर। सागर भाई कौन सी क्लास में पढ़ा है? दसवीं में। वोट बन गई? ना बनवा लेंदा यार। बनवाऊंगे। उम्र हो नहीं हुई? कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया बात। सरकार कौन सी आनी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस की आनी चाहिए? अगर अपने पापा या मम्मी से आप रिक्वेस्ट करोगे भाई कौन सी पार्टी को वोट करो, किसको करोगे? कांग्रेस को। विधायक कौन बनना चाहिए? बलबीर वाल्मीकि। बड़ी बेबाकी से ग्रामीणों ने अपनी राय रखी, पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंसान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।